यूपी के जिला बरेली में 3 दिन के भीतर कई मर्डर हुए, लेकिन इसमें शहर के गंगापुर का मर्डर दहशत फैलाने वाला था। चर्चित और व्यस्त चौराहे पर भीड़ भाड़ के बीच एक युवक आया और वहां खड़े दूसरे युवक पर करीब से गोली चलाने के बाद फरार हो गया। उसे गोली मारते भागते और जिसे गोली लगी थी उसे गिरते बहुतों ने देखा, लेकिन सभी दाएं बाएं हो गए। डर के सबब कोई आगे नहीं आया। बाद में जब मृतक सुजीत गोला के परिजन पहुंचे तो सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ लगाते ही बता दिया कि सांसें थम चुकी हैं। क्योंकि शराब के सबब अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस ने गंगापुर में मर्डर की सूचना मिलते ही पहुंचने में देर नहीं की। बाद में अफसर भी वहां पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी गई। मृतक गोला के परिजन ने 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब CCTV खंगाला तो फिलहाल उसमें एक युवक की गोली मारकर भागता दिख रहा है। बारादरी पुलिस ने सर्विलांस मुखबिरों की मदद से आरोपी राहुल उर्फ अप्पा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। देखिए किस तरह से सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस अप्पा को हथकड़ी बांधकर मेडिकल के लिए ले जा रही है। आज दिनांक 21 नवंबर 2022 को थाना बारादरी पर दिन के करीब 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगापुर मोहल्ले में एक युवक की, जिसका नाम सुजीत राजपूत बताया गया था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, उसकी किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर बारादरी पुलिस द्वारा तमाम CCTV खंगाले गए और CCTV की जांच पड़ताल से ये पता लगा कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने इस युवक की गोली मारकर हत्या की है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।